तो याद ही नहीं है कि उनको जन्म कौन दिया। अगर उनको याद रहता कि एक माँ उनको जन्म दी है तो इस टाइप का शर्मनाक बात वो सदन में नहीं करते। जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो हर एक व्यक्ति को एक माँ जन्म देती है, उनको ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। पर्दा का ये सवाल था, ये पर्दा के पीछे रहता तो अच्छा लगता। अब रहा नीतीश जी का, तो नीतीश जी से बिहार चलेगा नहीं। उनको एकदम भर भर हाथ चूड़ी चाहिए और चूड़ी पहन के, और वो ठनकाए तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी जो है ना उसको ठुमका लगवाएगा उससे, ठीक है। तेजस्वी जो है ठुमका लगवाएगा, वो चूड़ी बजा के नीतीश नाचेगा। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सबसे बड़ी बात है कि जिस बात को उन्होंने सदन में बोला ये बात तो बोलना नहीं था, पहला बात। दूसरा बात, इतना गांजा पीता है ये व्यक्ति, इतना गांजा पीता है, इसको नशा में, सुनिए, उसको वो फुल्ली टाइम नशा में रहता है और महिलाओं को सदन में देख के वो बौग गया, तो क्या बोलेगा? तो बोल बैठा। कह रहे ना कि हमारी सोच वैसी नहीं थी, हम माफी भी मांगते इस चीज के लिए, उन्होंने कहा। अरे भाई सोच नहीं थी, अभी इतने हमारे भाई लोग खड़े हैं और कुछ पीछे से हमको बोल देंगे और कहेंगे कि गलती हो गया, तो गलती ऐसे नहीं होता है। गलती आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा, कहिएगा गलती हो गया, ऐसे गलती नहीं होता। इनको बिहार छोड़ देना चाहिए, आराम का जरूरत है, बुजुर्ग हो गए हैं और तो खाब तो देख रहे हैं बहुत लंबा, ये तो होना नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी समर्थन कर रहे हैं क्या, उन्होंने जो कहा तो चोर के दारी में तीन का वह तो वही बड़ान बाबूजी करलान, बेटा करलान, अपने फिर से करतड़ान, तो कहाँ। राबड़ी देवी भी समर्थन में आ चुके हैं, मैडम क्या कहना चाहेंगे? एक महिला, राबड़ी देवी महिला नहीं ना है, महिला नहीं है वो। अगर वो महिला रहती तो इसका समर्थन नहीं करती। इतनी महिला खड़ी है यहाँ पर, कोई कह दे जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस जो जो कोक उनको जन्म दिया है नीतीश जी को, उस पर वे इतना गंदा सवाल किए हैं सदन से, उनको नहीं करना चाहिए। वो माफ़ी के लायक नहीं है, उनको माफ़ी नहीं मिलना चाहिए और वो बिहार छोड़ दें। सीधे इस्तीफा चाहिए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं का जो अपमान किया गया है, अपमानजनक बातें जी को जो कही गई है, यह कहीं से भी मतलब सोहा नहीं देता है। नीतीश कुमार जी को भरे सदन में इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। हम लोग नीतीश कुमार जी के इस वक्तव्य का पुरजोर विरोध करते हैं। और जहां तक जो बात आती है कि इन्होंने माफ़ी मांग लिया है, इन्होंने इस गलती को सिर्फ विधानसभा में नहीं किया है, विधानसभा से निकलकर रास्ते में जाते समय इन्होंने फिर गांजा पिया है, और इससे भी ज़्यादा विधान परिषद में इन्होंने कहा है, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम को किए हैं और नीतीश कुमार का पुतला दहन कर किए हैं, और हम लोग नीतीश कुमार से अविलंब इस्तीफा देने की मांग करते हैं। बी के सिंह चंदेल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं आज यहाँ पर अपने दुर्गा मंदिर के मार्केट के समीप नीतीश कुमार जी का पुतला हमारे बहनों ने जलाया है, इसलिए कि माताओं बहनों के लिए जो असभ्य व्यवहार वो किए हैं वो अशोभनीय है, और इससे देश की बिहार की छवि खराब होगी, इसलिए वो सुधर जाएं और माफ़ी मांगें और रिजाइन करें, इसलिए कि देश में ऐसे मुख्यमंत्री की, ऐसे भी बिहार में मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। इन्हीं वक्तों के साथ और सब वक्ता हैं, आपको बताएंगे। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री से बिहार नहीं समझ रहा है? सदन में जो उनका वक्तव्य दिया गया उनके पद के गरिमा के बिल्कुल प्रतिकूल है, और जो हमारी मातृशक्ति है उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, ये बहुत निंदनीय है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये एक गलत संदेश जाता है, और
ये एक तरह से उनके पार्टी के लिए बहुत नुकसान है। महागठबंधन के नेता जो है समर्थन कर रहे हैं उनके इस बार, ये तो उनकी मजबूरी है, वो दोनों एक दूसरे के गलत काम को समर्थन नहीं करेंगे तो गठबंधन कैसे रहेगा, क्योंकि गठबंधन के पीछे तो कोई नीति नहीं है, गठबंधन के पीछे स्वार्थ है, पद लोलुपता का स्वार्थ है, तो उसमें तो कोई उसका कोई नीति कोई सिद्धांत नहीं। आप जदयू के पुराने कार्यकर्ता रहे और नीतीश कुमार के करीबी रहे, तो यहाँ कुछ भाजपा के लोगों ने बता रहे हैं कि नीतीश कुमार गांजा पी कर सदन में आए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए जब तक मैं व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ को नहीं जानता हूँ मैं उसमें अपने को प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझूँ। मानसिक संतुलन खो चुके हैं, मेमोरी लेस मुख्यमंत्री हो गए हैं नीतीश कुमार जी। अशोक चौधरी के पिताजी महावीर चौधरी के श्राद्धक्रम में गए हुए थे, वहाँ उन्होंने महावीर चौधरी के ऊपर पुष्प अर्पण न कर वहाँ से पुष्प उठाकर अशोक चौधरी के ऊपर अर्पण कर दिया। ये बात है, इनसे उजूल फुजूल हरकत हो रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार को संभालने में वो सफल साबित हो रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को बिहार की जनता के भावना के अनुरूप तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, बिहार पीछे जा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार अविलंब इस्तीफा दे दें। नीतीश कुमार इस्तीफा दो। उन्होंने तो कहा है कि बेटियों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन सदन के अंदर उन्होंने महिला शक्ति का जिस प्रकार से अपमान किया है, यह कहीं से भी यह प्रशंसनीय नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह निंदा कम है।